लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पिछले एपिसोड में आपने देखा डिटेक्टिव राजा की मौत के बाद आनंद एक फैसला करता है कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव राजा बनकर अपने बड़े भाई के कत्ल की तहकीकात करेगा। छानबीन के दौरान रेंचो को एक पर्स मिलता है, उसमें राजा को जीवन बिहारी का विजिटिंग कार्ड मिलता है। वो उस पते पर पहुंचता है और उसकी मुलाकात जीवन के पिताजी से होती है। राजा अपना कार्ड देकर जीवन का पता चलने पर खबर देने को कहता है। जब वो घर लौटता है तो उसकी मुलाकात एक पत्रकार से होती है। पत्रकार के जाने के बाद राजा को धीरज की लाश मिलती है और उसे फोन पर मुंबई छोड़ने के लिए धमकाया जाता है। चलो ड्राइवर। हेलो, हाँ बोलो जी। कमाल है राजा, मेरे फोन पर बात करने से पहले ही तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा फोन है? भाई सीधी सी बात है, बंबई के मेरे इस नए घर का नंबर सिर्फ तुम्हारे पास ही है। वेल नाउ कम टू द पॉइंट, टेल मी व्हाट इज द न्यूज। नहीं, यहाँ बंबई से अभी तक कोई फोन नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि फोन आएगा जरूर, क्योंकि दुश्मन ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मैं गोवा में हूँ या नहीं। होशियार, जैसा मैंने कहा है कि फोन किसी का भी आए तुम सिर्फ राजा बनकर ही बात करना। ओके ओके, और जरूरत पड़ने पर ही मुझे फोन करना। बाय। हेलो। हाँ राजपूत, राजा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए राजा साहब। मैं अपने नए घर का नंबर तुम्हें देना चाहता हूँ, वो जरा लिख लो। एक मिनट, बोलिए। 633 अगर दुश्मनों ने वहां फोन करने की कोशिश की तो हम आसानी से ट्रेस कर सकेंगे और फिर उन तक पहुंचने में हमें किसी तरह की कोई मुश्किलात पेश नहीं आएगी। गुड, वैसे भी जरूरत पड़ने पर मैं और हमारी पुलिस आपके साथ ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मालिक का जितना खूबसूरत आपका ये बंगला है उससे खूबसूरत इसकी सराउंडिंग और किराया भी सस्ता है। हम यहाँ दो दिन जरूर रुकेंगे। अरे जैसी आपकी मर्जी साहब, लेकिन साहब आपको ये किसने बताया कि ये बंगला भाड़े पर देते हैं? वो हमारे एक दोस्त हैं जीवन, उनके पिताजी कुछ दिन पहले यहाँ रुके थे। हाँ वो दाढ़ी वाले। हाँ, उन्होंने ही मुझे इस बंगले के बारे में बताया। अच्छा, तो मैंने सोचा चलो दो दिन चलकर आराम करते हैं। अरे तो साहब दो दिन क्यों, चार दिन रुकिए, बैठिए मैं आपके लिए पानी लेकर। जी मालिक का।
क्या बात? क्या? थैंक यू रे। मालिक आका? थैंक यू मालिक आका। मालिक आका, ये कैलेंडर के बीच में निशान किसने बनाया? वो 11 के बीच में एक लाल रंग का निशान है। आप पता नहीं, हमने तो कभी जिंदगी में पेन भी हाथ में नहीं। अच्छा। शायद ये तारीख याद रखने के लिए किसी कस्टमर ने लगाया है ये निशान। एक मिनट मालिक आका, क्या बात है? बहुत महंगी शराब पीते हैं आप? मैं शराब? अच्छा, तो फिर ये बोतल? वो आपके दोस्त के पिताजी आए थे, वो दाढ़ी वाले थे, वो पीते थे शराब। आप काफी शराब पीते थे, दो दिन में उन्होंने दो बोतल खत्म कर दी। तो फिर वो दूसरी बोतल कहाँ है? वो बैग भूल कर गए, उसमें रखी हुई थी। अच्छा, वो जरा बैग लेकर आइए मालिक आका। बोतल तो, हाँ ऐसी बोतल तो मैंने मिसेस चौधरी के यहाँ देखी थी। थैंक यू मालिक आका, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत बोतल है मालिक आका। मेरी इच्छा है कि इसके अंदर जो बची हुई शराब है ना, वो मैं पीता हूँ। आप एक काम कीजिए, ये रख। अच्छा, ये भी आप ही रख। हेलो राजपूत, हाउ आर यू? क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ आप जाओ। एक गुड न्यूज देनी थी, इसलिए मैं खुद चला आया। जब धीरज का कत्ल हुआ, तब आपके टेबल पर पड़ा हुआ ग्लास आपने हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया था। हाँ, उसकी कोई रिपोर्ट आई? यस, ग्लास पर पाए हुए उंगलियों के निशान यानी कि फिंगरप्रिंट्स किसी और के नहीं बल्कि जोजो के हैं। जोजो? हाँ हाँ, जोजो दुनिया की पुलिस जिसे खतरनाक मुजरिम समझते हो, जो आज तक हमारे हाथ नहीं लगा। उसकी कोई तस्वीर? नहीं, कोई तस्वीर नहीं। पुलिस रिकॉर्ड में उसकी कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ फिंगरप्रिंट्स है। उसके बारे में और कोई मालूमात? जो जो दो बातों में माहिर है, खास तौर पर वो बॉम्ब ब्लास्ट करने में होशियार। दूसरी बात, जो जो खुद एक होशियार मेकअप आर्टिस्ट है, वो अपने चेहरे को इस तरह बदल देता है कि उसके दोस्त भी उसे पहचान नहीं सकते। I see. Thank you very much for this valuable information, Rajput साहब. अब एक जरूरी काम और है मुझे। कहिए। ये पता करना है कि इस बोतल पर किसके फिंगरप्रिंट। अगर ये पता चल जाए तो हमारी तहकीकात और भी आसान हो जाएगी। ओके, इसकी रिपोर्ट में फौरन मंगा लेते। इस बोतल के फिंगरप्रिंट और उस ग्लास के फिंगरप्रिंट अगर मिलते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि धीरज का कातिल पहले और जीवन का बाप एक ही आदमी, मतलब जोजो। करेक्ट। इसके साथ ये भी साबित होगा कि जोजो और मरहूम चौधरी में कोई नजदीकी संबंध थे। या राजपूत, साथ ही साथ चौधरी जोजो का कोई ऐसा राज जानता था जिसे भैया को बता देने से जोजो खतरे में पड़ सकता था, इसलिए जोजो ने चौधरी की हत्या करवा दी। तो अब हमें यह जानना है कि 1+1 का राज क्या है और जोजो का यह कौन सा नया ऑपरेशन है। हेलो, क्या वो राजा बाबू के भाई धर्म सिंह आनंद का है क्या? हेलो, मैं आनंद बोल रहा हूँ। कौन है आप? क्या काम है? क्या है कि किसी ने मुझे मेरी जान लेने की धमकी दी है। मैं चाहता हूँ कि एक मैं आपको माफ कीजिए, काम मेरे भाई साहब किया करते हैं, लेकिन वो अभी दुनिया में नहीं रहे। क्या है, लेकिन हमने तो सुना है कि मुंबई में सेटल होने के बाद आपने अपने भाई का एक काम संभाल लिया। मुझे तो
इसलिए मुंबई भी गया लेकिन फिर लौटा। मैं अपने आप को प्राइवेट डिटेक्टिव बनाकर अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता। वो मूर्ख है, दुनिया के लिए अपनी जान खतरे में डालने वाले मेरे भाई को क्या केस मारा गया, एक मुजरिम की तरह मारा गया। दुनिया अपने प्रॉब्लम्स खुद फेस की, मैं उनका बोझ अपने कंधे पर उठा रखा। राजा बाबू को माफ कीजिए, ये आनंद का घर, प्राइवेट डिटेक्टिव राजा का नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी दूसरी जगह जाएं, यहाँ फोन मत करें। हेलो राजा, मैं अजय बोल रहा हूँ। तुम्हारा शक सही निकला, तुम्हारी पूछताछ करने के लिए यहाँ गोवा के घर में फोन आया था। वेरी गुड अजय, तुम अपना नाटक जारी रखो, मैं ये पता लगाता हूँ कि ये फोन कहाँ से आया था। ओके बाय। राजा साहब, अच्छा हुआ आपने मुझे फोन किया। अच्छा, मेरे गोवा वाले घर में कोई फोन आया था। अरे मुंबई के टेलीफोन एक्सचेंज से मुझे अभी अभी इसी बात की जानकारी मिली। हाँ, पता चला कि फोन कहाँ से आया था। यस, वो फोन मुंबई के होटल सी साइड से आया था। सी साइड, थैंक यू वेरी मच राजपूत फॉर द इन्फॉर्मेशन। जैसे ही मुझे कोई नई खबर मिलती है मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। ओके, होटल सी साइड। Come on, Rancho. Come. Come on, Rancho. Come. Come on, fast. Come on up. Yes. Come on up. Yes, Rancho. Good boy. Come on, Rancho. Who's there, Captain? Hi. I'm Detective Raja. मुझे इंस्पेक्टर राजपूत नहीं आता। हाँ, ये गोवा का एक टेलीफोन नंबर है। मुझे बताइए कि आपके होटल के किस कमरे से इस टेलीफोन नंबर पर फोन किया। अभी बताएं। क्या दोस्त, अभी तक घबरा रहे हो? कुछ नहीं कहेगा, कम ऑन। फोन नंबर 112 से किया था। थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। हाँ, इस तहकीकात के बारे में किसी को कुछ बोलिए। थैंक यू। अच्छा, तो आप 112 में जा रहे हैं? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े, उन्हें लेते जाना। डोंट वरी सर, मैंने दोबारा कंफर्म कर लिया है कि राजा का भाई अभी गोवा में है। रिलैक्स। ओके ओके। थैंक यू सर। हाँ,
जी शराब पीते हैं सर। कौन है आप? अरे क्या बदतमीजी है? अगर मैं बच्चों ने क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सर कौन जी खेत बदलने से नाम नहीं बदलता मिस्टर जोजो। जोजो कौन जोजो? वो जो खेत बदल कर जुर्म किया करता है वो जोजो। अब जल्दी से जल्दी वन प्लस वन क्या है इसके बारे में मुझे बता दे। वन ऑपरेशन जोजो ये इसे क्या बोला? इससे बता दे वरना मैं अवार्ड फंक्शन चीफ गेस्ट मिनिस्टर राम प्रसाद पांडे डेटेड 11/10/96 वेन्यू होटल गैलेक्सी इंटरनेशनल। ये तो आज ही है। ओह आई सी। इसका मतलब मिनिस्टर राम प्रसाद पांडे जी जोजो का टारगेट है। राजा? हाँ राजा साहब, इंस्पेक्टर राजपूत हियर। हाँ बोलो राजपूत, क्या बात है? फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट आ गए। बोतल पर जो उंगलियों के निशान थे वो जोजो के ही है। और दूसरी बात ये, जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले वो सभी लेफ्ट हैंड के ही है। ओह आई सी, मतलब जोजो लेफ्ट ही है। यानी धीरज का कातिल, जीवन का बाप और होटल से भागा जॉन एक ही आदमी के तीन लोग। राजपूत तुम एक काम कर। बोलिए। मिनिस्टर राम प्रसाद पांडे जी के फंक्शन में आज जो लोग भी आ रहे हैं एंट्री रजिस्टर में उनके साइन ले लो। जो कोई भी लेफ्ट हैंड से साइन करेगा मतलब जो जो होगा और आसानी से पकड़ा जाएगा। ओके गुड। ओके राजपूत, टेक केयर। जो जो तेरा ये शैतानी प्लान में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वन प्लस वन ऑपरेशन मिनिस्टर। वेलकम टू ऑल इंडिया साइंटिस्ट एसोसिएशन अवार्ड सेरेमनी, जिनके चीफ गेस्ट है हमारे सबके चहेते मंत्री महोदय श्री राम प्रसाद जी पांडे। राम प्रसाद जी के दिल में जनता के प्रति कितना प्रेम और सहानुभूति है ये आप सब लोग जानते ही हैं। उन्होंने विकास के हर क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण ऐसा योगदान दिया है। मैं धन्य हूँ। जैसे अभी अभी उन्होंने कहा
कि हमने आपकी कंपनी की शान बढ़ाई। हमारे मेहनत लगन का नतीजा है और कल हमारा देश लंदन हमारे जीवन और देश उनका चेहरे बदल ले, लेकिन राजा की नजरों से खुद को नहीं छुपा सकता। जोजो बोल, भैया को क्यों मारा था? राजा भैया को क्यों मारा था? वो अमर चौधरी को हमारे मिनी सप्लाई देने के 1+1 के बारे में सब कुछ पता चल गया था, और ये बात उसने तुम्हारे भाई को बता दी, जिससे हमारे लिए खतरा पैदा हुआ था। इसलिए मैंने चौधरी के साथ साथ तुम्हारे भाई को भी मार दिया। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे।